सब भूल गया है तू। एक एक गाली, एक एक ठोकर जो बाबा ने हमारा प्रवेश के लिए लोगों से खाया। हाँ तो खाया ना पुलिस वालों से बाहर, गांजा लाते पकड़ा नागे पे, पूरे थाना ने मिलके मारा था। ऐसी भड़ास निकाली पुलिस वालों ने। किया किसके लिए? हमारे लिए ना, और बाकी किसकी बाकी? अरे हमारी बाकी। बाकी क्या? कोई कुर्बानी याद नहीं है तेरे को? याद करो कैसे धक्का मार मार के नौकरी से निकाला था, उस घर से जिधर वो नौकरी करती थी। तो किसने बोला था दिन दहाड़े घरों में जाके चोरियां करो? पकड़ी गई तो पर्स, चेन, चिल्लर, घड़ी ये सब मिला था। तो कौन रखता घर में उसको? बिठा के फोटो निकालते, बेटा स्माइल प्लीज, ऐसा करते निकाल दिए। बाबा का बात कर रहा था। तो माँ की कुर्बानी बीच में किसने लाया? ये सब याद दिला के दिमाग नहीं खराब करने का? पहले बोलता हूँ मैं, बाबा का सपना याद दिलाने के लिए तुमको बुलाया था। फिर सपना, दोबारा सपना का नाम लिया ना? अरे वो सपना नहीं, हम दोनों को पुलिस ऑफिसर बनाने का सपना। हाँ तो बन गया ना तू कमिश्नर? अपन टपोरी मवाली खबरी बिल्कुल सही। तू खबरी बना आवारा गलती से, हम कमिश्नर बना अपना मेहनत और लगन से। देखो हम दोनों एक ही फुटपाथ से निकला है, और तुम किधर खाए और हम किधर खाए? आज हमारे पास बैंक बैलेंस है, पैसा है, पुलिस का क्वार्टर्स है, पुलिस का वर्दी है, पुलिस का गाड़ी है, सब कुछ है हमारे पास। तुम्हारे पास क्या है रे? क्या है तुम्हारे पास बोलो रे? अरे सब तो पुलिस का ही, तेरे क्या है उसमें यार? तेरी तो खुद की शौहरत भी नहीं है। वो कौन सी थी ना, मीना डिकारी ना, क्या नाम उसका, वो भी नहीं है। तू अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकता, कहीं आ भी नहीं सकता है। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, अरे क्या है तेरे पास यार? मेरे को देख, मेरे पास आजादी है, अब कोई गुलशन ना उजड़े है, अपना आजाद है। कहा सुनी गीला शुक्वा भूल जोड़े। अभी मुद्दे का बात करेगा, मुद्दा ये है बाबा का सपना पूरा करेगा कमिश्नर बने का। क्यों तेरे को नौकरी से निकाल दिया? बड़े चार दिन के लिए रे, हमको गोवा जाना है। बोलो कमिश्नर बने का बाबा का सपना पूरा करेगा? ठीक है, बाबा का सपना पूरा करेगा, अपुन बनेगा कमिश्नर। गोगोल चटर्जी से गोगोल चटर्जी, पीरी जमेना जमेना शाय मन जदे मने ते न मेले, यू आर माय पेले पेले। ये आदित्य मानो, इसके बारे में तुम जानते तो है? जानता है रे दादा। एक कड़क छल्ला है तो एक नल्ला है। एक अकलमंद है तो एक अकल बंद है। एक सब पे भारी है और एक सबसे भारी है। और एक हो गया, अभी आगे देखो। अरे मालूम है रे, बॉस है, सुंदरी है, सालवी है, सबको जानता है यार। अरे मैं खबरी हूँ, सब पे खबर रखना मेरा धंधा है यार। ए देखो, तुम खबरी था अभी नहीं है, चार दिन के लिए कमिश्नर बांधकर हमारा जगह तुम लेगा। देख मेरे को सब मालूम है दादा, खाली तुम चंपू के बारे में बता। ये चंपू कौन है? तो बहुत भांजी भांजी बोलता है, कहाँ से आई है तू हैं? और अचानक ये भांजी कहाँ से बन गई? अरे जहाँ तक मेरे को याद है अपनी तो कोई भांजी नहीं थी। देखो चंपू के बारे में बाद में टाइम आने पर हम सब बताएगा, ठीक है? लेकिन हमारा बात अभी ध्यान से सुनो, हम फिर से रिपीट करता है, ये बात इस घर से बाहर नहीं जाना चाहिए कि हम चार दिन के लिए गोवा जा रहा है और हमारा जगह तुम कमिश्नर बनकर रहने वाला है। ये टॉप सीक्रेट है, अगर किसी को पता चला तो। ए पोता नाती कुछ नहीं चलेगा, तू बिंदास रे भाई, मेरे पे भरोसा करना तू। ठीक है, अभी हम तुमको बताएगा कि कमिश्नर बनने के लिए तुमको क्या क्या करना पड़ेगा। पूरा इंटरनेट से पूरा सीखा है, रात रात भर मेहनत करके। क्या बात है? ए
वेरी गुड। अभी बोलो कैसा लगता है, तुम्हारा भाषा में क्या बोलेगा तुम? अरे क्या बात है, जबरदस्त वाह, खूसता मकंडा गुरु गुप्पा, क्या जबरदस्त काम कर रहे, तू तो यार कमाल आदमी है यार। अभी शक्ल से तो तुम हमारे जैसा दिखता है, लेकिन हमारे जैसा बात करने के लिए हमारे जैसा हिंदी बोलना बहुत जरूरी है। तेरे जैसा तू भेजेगा नाकपड़ा बना रहे लाए। अरे भाई इतनी कुटाई तो उस्मान भाई की मटन की दुकान पे चीमे की नहीं होती जितनी तू बंगाली में हिंदी की कुटाई करता है। क्या बात करता है रे, बंगाली लोग हमारे हिंदी का कितना तारीफ करता है तुमको मालूम है? और तुम क्या हिंदी का बात करता, तुम्हारा हिंदी कैसा है? अरे लाए जारे लाए अटे लाए कटे लाए, ये कोई हिंदी है? शड़फट से बात करो, एकदम शड़फट से। अभी समझो अभी तुम कैबिन के अंदर बैठा है, अभी कॉन्स्टेबल से तुमको फाइल मंगाना है, तुम फाइल कैसे मंगाएगा गाड़ी? एक हजू चल फाइल लेके चल, ऐसा बोलेगा तो फाइल नहीं आएगा, ऊपर से ऑर्डर आएगा कि हमको कमिश्नर का पोस्ट से निकल दिया है। अरे बाबा ऐसा बोलो, ए कॉन्स्टेबल उधर जाओ, उधर जाके 29 नंबर फाइल लेकर आओ। पर कॉन्स्टेबल जाओ जाकर उधर से 29 नंबर का फाइल लेकर आओ तो। वेरी गुड, एक हजूर इधर आए, हजूर साथ में खाने पीने की चीज भी लेके आना। क्या दो पाए दो भेजा फ्राई दो बटन कलीजी नल्ली निहारी बिरयानी असली घी बार के चाल निकाल जल्दी कल्टी। क्या कल्टी हो गया भाई? थैंक यू सिस्टर, वैसे तो हमारे यहाँ बहन के घर का पानी भी नहीं पीते, पर क्या करूं बहुत भूख लगी थी। ओ बहन के भाई, ये तेरी बहन का ससुराल नहीं है, पुलिस हेडक्वार्टर्स है। ये ससुराल नहीं तो और क्या है, जहाँ जीजा जी वही बहन का ससुराल। जीजा जी? कौन जीजा जी? अरे आप और कौन? जीजा जीजा दीदी दीदी साला साला दीदी जीजा साला दीदी साला साले। बोलिए जीजा जी। अरे किसने कह दिया कि हमारी शादी हुई है? कहेगा कौन जीजा जी, सामने तो दिख रहा है ऐसी सीताराम जैसी जोड़ी, राधे कृष्ण जैसा फील। ये पति पत्नी नहीं तो और क्या हो सकता है? आप इतना क्यों शर्मा रही हैं भाई? वाह क्या जोड़ी है, मेड फॉर ईच अदर, एक दूजे के लिए, साक्षात विराट अनुष्का रणवीर दीपिका। अरे अब तो सोनम की लाइफ में भी लवली लवली आनंद आ गया है। ओए एक बात तेरी समझ में नहीं आ रही क्या, हमारी कोई शादी वादी नहीं हुई है समझा? हाँ तो अफेयर चल रहा है ना, तो शादी भी हो जाएगी। ओए तेरी बुद्धि की क्या शटर गिरे हुए क्या, कोई अफेयर नहीं चल रहा हमारा। तो सेटिंग वेटिंग भाई, तुमने वादा किया था कि तुम पुलिस की मदद करोगे, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दोगे, हाँ उसका क्या हुआ? बहन आपको भी याद है ना, आपने भी एक वादा किया था। हाँ मुझे याद है, मसाले में प्याज डालना और अपना वादा निभाना चमकू कभी नहीं भूलती। फिर क्या टेंशन है, पूछो बहना पूछो, क्या पूछना है पूछो पूछो। ये कमिश्नर वाला मास्टर प्लान क्या है? डीके गैंग कमिश्नर गोगोल चटर्जी का किडनैप करने वाला है। व्हाट? हाँ अमी गोवा जा बोड़े बांधू गोवा जा बोड़े। ये भाई कुछ खाने पीने का इंतजाम है कि नहीं? अरे ये क्या पेन की बेटल है यार, ये क्या है? ए गोगा बड़ा क्या आता है, गोवा में सब लोग ऐसे ही पहनता है मालूम है? तुमको क्या मालूम है रे, तुम कभी मुंबई से बाहर गया है? ऐसी बात नहीं करने का। क्या है ना, थड़क पड़क ढिंचाक म्यूजिक बजती है ना, पता नहीं मेरे को क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक मेरे अंदर से डांस निकल जाता है उधरी, और नौकरी निकल जाएगा हमारा हाथ से, मछली का माफिक तो मात करता है। तुमको क्या लगता है हेडक्वार्टर में सब लोग बेवकूफ है? तुम ये कमिश्नर होकर ऐसे चपड़ी के माफिक नाचेगा तो लोग क्या सोचेगा? उन लोग को मालूम पड़ेगा ये कमिश्नर नहीं है कोई और फालतू है। तो कंट्रोल करो खुद पर, ऐसा किसी के सामने नहीं नाचेगा। अरे पन तुमको कमिश्नर बनना है कि नहीं?
बाबा का सपना पूरा करना है कि नहीं? मैंने करना है ना सपना पूरा करना, बाबा का बाबा। तो जैसा बोलता ऐसा करो। हाँ हाँ, और कंट्रोल रखूंगा खुद पे मैं। हाँ कर रहा है? अरे तू क्या कर रहा है? अरे छन्नू का फोन है भाई, उठाना तो पड़ेगा भाई। कौन छन्नू? चार दिन के लिए कोई छन्नू फानो ना है। ए भाई अभी ये जास्ती हो रहा है, बाबा का सपना पूरा करने के लिए अपन कुछ भी करेगा, लेकिन छन्नू को बोले भूल जाओ अपने से नहीं होगा। छन्नू अपनी जान है, इसका फोन मेरे को उठाना पड़ेगा। जिस हाल में भी हो, कहीं भी हो, उठाऊंगा। इसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता हूँ, छन्नू को अवॉइड नहीं कर सकता हूँ भाई। तेरे को जमता है तो बोल, तो मैं निकला। हमारा भी आशीर्वाद बोलो, उसको बात करो। हाँ शन्नू बोल, क्या बोल रही, सब सही है ना? हाँ जरा बिजी हूँ, बाहर में समझा कर। हाँ मिसिंग, अरे बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ तेरे को यार। इतना क्या, अभी पुलिस स्टेशन में जाके तेरा मिसिंग रिपोर्ट दिखवाने वाला था मैं। अरे जोक मार रहे था, चल एक पप्पी दे, चल हजरे लिए। अच्छा सुन एक बात सीरियसली, हाँ मैं चार दिन के लिए अंडरग्राउंड हो रहा हूँ, समझा कि नहीं? चार दिन के लिए तेरे को नहीं दिखूंगा, तो पेशेंट रखने का समझा, फोन बिल्कुल नहीं करने का। मैं मौका देख के, चांस देख के तेरे को फोन करूंगा। समझती नहीं बात को, आ जाती रात को यार। हाँ समझा कर, ठीक है चल फोन रख। हाँ बोल चलो, वापस आके फोन करी। हाँ एक मिनट, इधर कान बंद कर भाई। प्राइवेट, आई लव यू टू, बोल दे। चल मेरे भाई बोल, क्या बोलता है? देखो इम्पोर्टेंट काम है, अभी तुमको हमारा वर्दी पहनना है। वर्दी माने हमारा जान से बाढ़ का रहा है। अभी हम तुमको बनाएगा कमिश्नर गोगोल चटर्जी। थैंक यू ब्रदर। धोखा पाटा वर्दी पहनने के लिए इतना टाइम लगता है, तो क्रिमिनल को पकड़ने में कितना टाइम लगेगा? या भाई कैसा लग रहे ले अपुन है? क्या हो गया भाई? अरे फिर से नाराज हो गया मेरे पे? अरे अभी क्या गलती हो गई भाई? ए भाई तू रो रहे है क्या? क्या हुआ, सब ठीक तो है? बाबा का सपना था तेरे को इस वर्दी में देखे, हम दोनों को ऑफिसर बनाने का सपना था, लेकिन वो बहुत गरीब था, उसका पास पैसा नहीं था हम दोनों को ऑफिसर बनाने का। हम बन गया, लेकिन मेरे को लगता है कि तेरे साथ अच्छा नहीं हुआ रे। हम तुम्हारा गुनहगार है रे, हमको माफ कर दो। अरे क्या रुलाया क्या तू मेरे को यार? अरे अपन जिधर भी है ना, जैसे भी है, खुश है यार। अपने को किसी से कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, अपन सही है यार, बस तू खुश रहे। अरे तेरे दिल में इतना प्यार है ना, ये अपने लिए काफी है यार। तू बुला ना मेरे को यार, आधी रात को बुला, मैं तेरे लिए आऊंगा, तेरे लिए हाजिर हूं मैं, तेरे सिवा मेरा है कौन यार? बुला मत यार। तो तेरा फ्लाइट का टाइम हो रहा है, तू जा, और मेरे को भी तेरी दुकान पे जाने का है। ए, मतलब हाँ वही क्या है बोलते उसको, हेडक्वार्टर। तुझे अपना ख्याल रखना और एंजॉय करना गोवा में जाके। क्या कोई टेंशन नहीं लेना, अपुन है इधर। बाबा मेरा सपना था ना कि मैं ऑफिसर बनूं, देख कमिश्नर बन गया मैं चार दिन के लिए। हाँ चार दिन के लिए मैं इधर आया हूँ बाबा, मेरे को आशीर्वाद देना कि अपने से कोई खोगल जैसी खोखली हरकत ना हुए।
है कि नहीं? आशीर्वाद चाहिए मेरे को बाबा। ये आशीर्वाद ना क्या शराब आका लगता कुछ वाट लगने वाली है। जय हिंद सर। अरे वाह। खो 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 गोल। अरे रे यार। खो 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 गोल। ये तो सर कहाँ है यार? कब से वेट? अरे सर। अरे सर कहाँ रह गए थे सर आप? कब से हम आपका वेट कर रहे हैं? सर ये मुंह में दातुन जैसा क्या डाल रखा है आपने? ओ जुपिटर के प्राणी, धरती पे इसे थर्मामीटर कहते हैं। हाँ लेकिन लगाया क्यों है? एक मिनट मामू, क्या हो गया आपको? क्या तबीयत ठीक नहीं है आपकी? सर आपको खुबार है? बुखार है? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ सर। क्या? अच्छा डॉक्टर के बेटे को बुलाऊं? नहीं क्या? नहीं बुलाऊं मैं ठीक हूँ। ओके सर, नहीं बुलाता सर। आइए सर, आपसे ना बहुत जरूरी बात करनी है सर, आप अपने कैबिन में आइए सर। अरे सर 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 आपकी कैबिन यहाँ सर, इस तरफ। अच्छा लगता है इंस्पेक्शन कर रहे। चल चल चल, वहां देख गंदा है, गंदा। गलत बात है कि ये सुंदरी जी, एक दाग साफ करने के काजे कही थी, इधर कर उधर कर यहाँ कर आगे कर पीछे कर, पूरा थानों साफ करवा डालो, हम भरतपुर तक दिन दूर तक का यहाँ पे ये पोंछा पोंछा खेलने के काजे आए। ज्यादा बात मत कर समझा ना, बॉस सर का ऑर्डर है। ज्यादा बात मत कर समझा ना, बॉस सर का ऑर्डर है। अच्छी तरह से साफ कर, चल। दिया जी ये क्या है बे? साफ सफाई आ रही है सर, बॉस सर को ऑर्डर होता सर। बॉस सर को ऑर्डर होता सर, उन्होंने फोन करके ये कही थी कि उनके आने से पहले तेल डाल करके थाने को चकाचौंध कर डालो। तेल डाल के चमका देना? अरे ये फर्श है, इसकी क्या मालिश करनी है क्या? तेल क्यों डालेगा कोई फर्श पे? बॉस सर का ऑर्डर तो सर। संभाल भाई, हम तो ये कह रहे हैं सर कि ये आइडिया जाको है ना, बाकी साफ कर डालो, किस्सा ही खत्म। पहले अभी के लिए तू यहाँ से साफ हो जा, यहाँ कुछ जरूरी काम की मीटिंग होने वाली है। सुंदरी और तू निकल। काम की इज्जत मत करो चलेगो, लेकिन कम से कम नाम की इज्जत तो करो। डीआईजी हैं हम। ठीक है डीआईजी सर। गेट आउट। पट्टी क्या कहते, दरवाजा बंद करके जाना। सर आपसे जो इंपॉर्टेंट बात करनी है उसके लिए आप आराम से बैठिए, फिर बात करते हैं। आइए बैठिए सर। सर अरे सर 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 क्या कर रहे हैं सर? क्या कर रहे हैं सर आप? सर यहाँ क्यों बैठे हैं सर आप? वहां बैठिए सर, आपकी चेयर वहां पर है ना सर, आपकी कमिश्नर चेयर। मेरा हाथ पकड़िए सर, आराम से आराम सर आराम से। आप ठीक है सर? ओके सर, अब मैं आपको बताता हूँ सर, जो जरूरी बात मैं आपसे कहना चाहता था वो क्या थी। सर मैंने आपको बताया था ना, वो डीके गैंग के कुछ लोगों की ऑडियो के आधार पर और ये चमकू की इन्फॉर्मेशन के आधार पर हमने डीके गैंग के एक आदमी पीके को हिरासत में लिया सर, और उसे पूछताछ की तो एक बहुत ही शॉकिंग बात सामने आई सर, और वो ये है कि डीके गैंग मिलकर आपको किडनैप करना चाहता है सर। हाँ सर ये सही कह रहा है, आपको किडनैप करने का प्लान बनाया जा रहा है सर, और डीके गैंग को तो आप जानती हैं सर, और लाइन के वो जिद्दी एड्स की तरह है, ना चाहते हुए भी सहन उन्हें करना पड़ता है, बहुत ज्यादा जिद्दी है सर ये लोग। एक बार डिसाइड कर लिया कि किडनैप करेंगे तो करेंगे, और सर बाकी तो डीके गैंग के बारे में सब लोग जानते हैं, किसी को किडनैप करते हैं तो उसे फिर जिंदा नहीं छोड़ते सर, सीधा शमशान में मुलाकात होती है, ऊपर गॉन फिनिश। मामू हम बस इतना कहना चाह रहे हैं कि मामला थोड़ा सीरियस है, इसलिए आप चौकन्ना रहिए।
अब ये किडनैपर्स आपको किडनैप करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब जब तंदूर गर्म होता है तो रोटियां भी हमें सावधानी से सेकनी चाहिए, है कि नहीं? हलवे की दुकान है क्या? हलवा है क्या? किडनैप करेगा? अरे बम्बे में किसी का जिगरा नहीं जो अपने से पंगा ले वे। अरे क्यों डालूंगा, काट डालूंगा, फाड़ कर दूंगा। चापड़ घुसा के मुंह के बोरी पाड़े से पैर के तेली पाड़े तक पूरा फाइबर के दबेगा बोन। अबे हिला डालूंगा, समझ क्या रखा है मेरे को? अबे नागे की चिमन चिल्ली से लेके अंडरवर्ल्ड डॉन जग्गू जाएंगे तक मेरे को पहचानता है।